Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Chhattisgarh Judicial Services 2022 जो कि कंडक्ट किया गया था फरवरी 2023 में. आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, दिस चैनल विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज 40 रुपीज एंड मैक्सिमम इज 10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. देखिए, मेरे पास ये सी सीरीज का पेपर है, सेट सी. ये एग्जाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, आपको भी ऑनलाइन मिल जाएगा. एंड इफ यू वॉन्ट, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ तीन इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं. 100 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और एम आर शीट भरनी है, और ये सिर्फ चीज़ अलाउड नहीं है बस. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन, कौन सेक्शन में कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो है सेक्शन 20 में. बी इज द आंसर, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है. 19 में क्या है, जज. 30 में क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी. 25 क्या है, फ्रॉडुलेंटली. 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट, टू विच द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू बायगैमी, तो बायगैमी पर कौन सा केस नहीं है. देखिए, आर वर्सेस टोलसन ये बायगैमी पर है, एंड इट वाज आल्सो ऑन मेंसरिया. आर वर्सेस वीट भी बायगैमी पर है, डोलमन भी बायगैमी पर है. ये सेटो वीपी वर्सेस प्रेमी ये नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज प्रेमी जो है ये किस पर है, ये हाउस ट्रेसपास एंड अटेम्प्ट टू मर्डर पर, 307 पर. ओके, नेक्स्ट है 3. द वर्ड कैंडिडेट एंड इलेक्टोरल राइट हैव बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी. देखिए, मैंने ये डिस्कस भी किया था छत्तीसगढ़ सीरीज, वहाँ भी आप देख सकते हैं उसमें भी. और मैंने कहा था कि इलेक्शन वाले जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लेंगे कहीं ना कहीं. तो है 171A में. बी इज द आंसर. बी से क्या है, ब्राइबरी. ठीक है, सी से क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट है 4. कॉजिंग डेथ टू अ चाइल्ड इन अ मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, इट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, इट इज अंडर एक्सप्लेनेशन 3(2) सेक्शन 299. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेडिशन क्या है, द कॉन्सिक्वेंस इज इमेटीरियल या मटीरियल है. कॉन्सिक्वेंस एक्ट्स एज मिटिगेटिंग फैक्टर, कॉन्सिक्वेंस बिकम मटीरियल ओनली इफ इट इज फोरसीन. देखिए, अभी तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको एज ए अबेयंस कर दिया है, मतलब ये सेडिशन जो है अब ऑपरेटिव नहीं है. बट सेडिशन का कम देखें, जब आपने एक बारी जो है सेडिशन कर दिया तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है वो मैटर नहीं करता है, तो कॉन्सिक्वेंस इज इमटीरियल. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट है 6. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज एटसेट्रा इज द बेसिस ऑफ द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये मेंशन किया गया आर्टिकल 33 में, ये इसकी हेडिंग है. सी इसका आंसर रहेगा. देखिए, इन्होंने भी उठा के इसे यही पूछ लिया है, दिस पार्ट. अब दिस पार्ट क्या है, यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहिए. यहाँ पर अगर क्वेश्चन बना रहे हैं नहीं कि उठा के पूछ लिया सिर्फ, तो पार्ट 3 भी लिखना चाहिए यहाँ पर. अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई समझ में आता है, बिकॉज भाई वो थर्ड पार्ट में है तो इसलिए वो बात करते हैं वहाँ की. यहाँ के क्वेश्चन में कैसे समझ में आए. नेक्स्ट 7. द प्रेजिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन वैलिड इन स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स भी है और 6 मंथ्स भी है, कैसे. देखिए, अगर अप्रूव करवा लिया तो 6 मंथ्स टाइम पीरियड है, अगर अप्रूव नहीं करवाया तो सीज टू ऑपरेट विद इन 2 मंथ्स है. और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछा हुआ है ये. अगर आप आर्टिकल 356 का क्लॉज 4 देखेंगे, उसमें जो प्रोविजो देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है नो सच प्रोक्लेमेशन शैल इन एनी केस रिमेन इन फोर्स मोर देन 3 ईयर्स. तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे तो ये, बिकॉज मैक्सिमम पीरियड पूछ रहे हैं तो 3 ईयर्स का तो यहाँ पर है ही नहीं. विदाउट अप्रूवल 2 मंथ्स है, विद अप्रूवल 6 मंथ्स है. नेक्स्ट है 8. फ्लाइंग ए नेशनल फ्लैग इज सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन कमिंग विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 19(1)(a). इट वॉज हेल्ड इन
ये था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल, 2004 की जजमेंट थी, है सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट नाइन द लैंडमार्क केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, देखिए मैंने कितने बार डिस्कस किया है, इवन मैंने ईयर भी बताया वहाँ पर, इसका आंसर क्या रहेगा, 1967 में डिसाइड हुआ था ये, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट टेन, दो द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिफर्ड इन नंबर ऑफ वेज, दे ऑल वर प्राउड टू रिगार्ड देमसेल्व्स पार्टिसिपेंट्स इन कॉमन हेरिटेज एंड द हेरिटेज एम्पैथिकली इज द हेरिटेज ऑफ संस्कृत। तो ये कौन से केस में कहा गया था ये, तो ये जो कोटेशन है ये कौन सा है, ये संतोष वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी 1994, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 11, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, देखिए सेक्शन तो 82 है बट सब सेक्शन कौन सा है, 1, 3 और 4, दैट इज सब सेक्शन 4, डी इसका आंसर रहेगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने जो इसमें आंसर की बताई हैं यूट्यूब पर, कई वीडियोज़ हैं तो उन्होंने बताया ही ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन, बट बी में देखिए कहीं भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात नहीं की गई है, वहाँ से भी लिखा हुआ है कि प्रोक्लेम करेंगे पर जो पर्सन एब्सकॉन्डिंग होगा उसके बारे में, ठीक है ना। तो जो प्रोक्लेम ऑफेंडर होता है एंड पर्सन एब्सकॉन्डिंग, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आप सिर्फ कुछ सर्टेन ऑफेंसेज हैं आईपीसी वाले जो, जैसे कि 302, 304, 364 लिखे हुए हैं सेक्शन 4 में, उन्हीं पर आप जो है किसी ऑफेंडर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट 12 मैच करना है, देखिए कितनी बार मैंने डिस्कस किया है ये, फॉर पीस कीपिंग है ऑन कन्विक्शन तो 106 में है वो, हैबिचुअल ऑफेंडर का है लास्ट 110, तो अब इससे ही मैच कर लो आप। तो डी का 4 देखिए 2 में है और फिर 2 का सी 1 में है, तो इसका ए इसका आंसर हो गया। सस्पेक्टेड कितने में है, 9 में, एंड सीडिशियस मैटर्स वो है 108 में, ए का है 3। देखिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर, देखिए डिफ़िकल्ट कर दिया, ये 1, 2, 3 साइड लिख दिए और ए बी सी डी साइड लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ए का 3 है, डी का 4 है, बी का है 1 और सी का है 2, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 126 सीआरपीसी मेक्स प्रोविजन फॉर, देखिए फोरम मतलब कौन सी कोर्ट में जाएगा, कौन सा कोर्ट किसके पास जुडिक्शन है, फिर एविडेंस की बात भी की गई है, एविडेंस दे सकते हैं, फिर कोस्ट की बात भी की गई है, तो तीनों रहेगा, डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन बनाया गया है ये वाला, देखिए 126 यहाँ प्रोसीजर की बात की गई है, और देखिए मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, मतलब फोरम की बात की गई कहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ पर वेयर ही रिजाइड, वाइफ रिजाइड, बोथ रिजाइड, ठीक है। फिर ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग्स, देखिए यहाँ पर एविडेंस की बात आ गई, और देखिए लास्ट सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है शैल हैव द पावर टू मेक ऑर्डर एज टू कॉस्ट, तो मतलब फोरम हो गया, एविडेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, तीनों आ गए इसमें, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 14, कंडीशनल ऑर्डर अंडर सीआरपीसी फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस कैन बी पास्ड बाय DM या फिर SDM या फिर EM, तो DM, SDM, EM, all of the above, D is the answer, सेक्शन कौन सा है, 133 CRPC। नेक्स्ट 15, एज पर सेक्शन 1-2 विच चैप्टर ऑफ CRPC शैल अप्लाई टू नागालैंड, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज चैप्टर 8, 10 और 11 शैल नॉट अप्लाई, मतलब अप्लाई कौन से होते हैं इसका मतलब, फिर 8, 10 और 11, तो डी इसका आंसर हो गया, सिर्फ ये अप्लाई होंगे बाकी के अप्लाई नहीं होंगे नागालैंड में। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो 179 क्या है, ऑर्डरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, नहीं वो है 177 में, 179 में क्या है, ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन एंड कॉन्सिक्वेंस एनस्यू, ठीक है। अब 78 में क्या है, प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल वेयर द एक्ट इज डन, ये 179 में है। फिर है सी, ऑफेंस कमिटेड ऑन वॉयज एंड जर्नी 183, ये बिल्कुल ठीक है। ऑफेंस कमिटेड बाई लेटर्स ये है 182, इसमें करेक्ट पूछा हुआ है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 17, ए फोटोग्राफ कैन बी प्रूव्ड बाई एग्जामिनेशन ऑफ फोटोग्राफर एंड बाई प्रूविंग द नेगेटिव इट वॉज हेल्ड इन विच केस, तो कौन से केस में कहा गया था ये, ये केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज भारत, ए इज द आंसर। नेक्स्ट है 18, सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट,
देखिए ये बात कर रहे हैं सेक्शन 114 की, जहाँ पर कोर्ट में प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स। और देखिए वहाँ पर जो है ना क्लॉज बी में लिखा हुआ है अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, तो ये हो गया ठीक। फिर इज नॉट अनवर्दी, तो ये नहीं लिखा हुआ, तो ये हो गया गलत। फिर जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, ये बिल्कुल ठीक है, ये है क्लॉज ई में। एंड दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैव बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये है क्लॉज एफ में। इसमें गलत कौन सा हुआ फिर, बी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 20, ए पर्सन कैन बिकम इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, वेदर माइंड ऑफ बॉडी, एनी ऑफ द अबव ग्राउंड। अब देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कैन बिकम इनकॉम्पिटेंट, इसको हमने हाईलाइट करना है पहले। तो अब देखिए सेक्शन 118 कहता है हु मे टेस्टिफाई, और वहाँ पर लिखा हुआ है अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन बाय टेंडर ईयर्स, ओल्ड एज और डिजीज, तो तीनों ही वहाँ पर मैंशन है। तो एनी ऑफ द अबव ग्राउंड, डी इज द आंसर, किसी भी ग्राउंड पर वो इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं अगर वो रैशनल आंसर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट 21, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन द टर्म्स ऑफ ऑफेंस और एट एनी सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। ये देखिए कि रिपीट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली हमने पंजाब और यूपीएससी का पेपर जो किया था एंड ये जो है रिसेंट में ही पूछा गया है, आंसर क्या रहेगा इसमें, पाकल नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 22, द प्रोविजन रिगार्डिंग ओरल एविडेंस इज गिवन इन विच चैप्टर, देखिए चैप्टर पूछ लिया यहाँ पे, इट इज चैप्टर 4, बी इज द आंसर। और दो ही सेक्शन है इसमें 59 एंड 60। चैप्टर 5 किसके लिए है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, 61 से और 90A तक। उसके बाद फिर आता है सेक्शन 91 चैप्टर 6 में और वो है 100 तक। नेक्स्ट 23, इन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, देखिए रिपीट क्वेश्चन है या नहीं है बताइए आप। आई थिंक मैंने वो 15 मिनट से भी कम की वीडियो में डाली थी और वहाँ पर दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है ये, तो वही इसमें तीनों रहेंगे। हॉर्टिकल्चर भी है, ये है क्लॉज सब क्लॉज 2 में, प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ द ऑर्किड्स। फिर है रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फोडर ग्रेजिंग एंड थैचिंग ग्रास, ये है क्लॉज 4। तो देखिए ये तीनों मेंशन किए गए हैं। तो देखिए जो कमर्शियल प्लांटेशन है वो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है 2022 वाली विद इफेक्ट फ्रॉम 4 May 2022, उससे ये ऐड किया गया है। तो अपकीप ऑफ ऑर्किड तो पहले से ही था, तो डी इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज सब्स्टिट्यूट बाय छत्तीसगढ़ एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022, देखिए रिसेंट अमेंडमेंट से पूछ लिया इन्होंने ये, है कि नहीं। तो अब रिवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन को जो है वो चेंज कर दिया गया है, वो सिर्फ इतना मेंशन किया है कि मेंशन इन सेक्शन 11, तो 2U जो है वो उसको, तो सेक्शन यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ये यू क्या है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का, अब देखिए यहाँ पर इनको लिखना चाहिए ये चीज़, अदरवाइज तो ये डाउटफुल क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं। 2-1 एंड क्लोज यू, और हिंदी में देखें तो धारा पै, धारा नहीं है ये, उपधारा की भी ये क्लोज है ये। नेक्स्ट 25, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज मेंशनड इन, क्वालिफिकेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है, सब सेक्शन 3 में, तो सी इसका आंसर रहेगा, सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। नेक्स्ट 26, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी सबॉर्डिनेट टू दी स्टेट गवर्नमेंट, बी इसका आंसर देगा। कहाँ मेंशन किया गया, मेंशन किया गया सेक्शन 12 में और सब सेक्शन 1 में ही लिखा हुआ है। वहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखिए ऑल रेवेन्यू ऑफिसर के यहाँ लिखा होता है इन डिवीजन, तब तो वो होते कमिश्नर के अंडर, अब ये यहाँ पर डायरेक्ट पूछा हुआ है तो सब सेक्शन 1 से पूछ रहे हैं, बी इसका आंसर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट 27, सेक्शन 22 छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इज रिलेटेड टू सब डिविजनल ऑफिसर, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, अब है CPC टू अप्लाई इन ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर LRC व्हेन नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, तो ये सेक्शन कौन सा है, ये है 43, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 29, एज पर लिमिटेशन ऑफ अपील्स नो अपील शैल लाई विद इन द लैंड रेवेन्यू कोड द कमिश्नर एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज, ये बिल्कुल ठीक है सेक्शन है ये 47, ये है क्लॉज बी टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 90 डेज,
यस ये है क्लोज सी, दोनों ठीक हो गए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज द आंसर। सेक्शन है ये 47। नेक्स्ट 30, द टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू मेड बाय डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर शैल ऑर्डिनरी बी ऑफ, ये देखिए रिसेंट अमेंडमेंट से इसको डाला गया है 2022 की अमेंडमेंट से, देखिए काफ़ी क्वेश्चन आ गए इसके लिए, आप देख सकते हैं सेक्शन 67 जो कि अमेंड कर दिया गया है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर शैल बी लैंड सर्वे बाय डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस सर्वे, तो मतलब ऑर्डिनरीली भी फॉर 30 ईयर्स रहता है ये, नन ऑफ द बो इसका आंसर हो गया, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 31, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, तो ये बात कर रहे हैं सेक्शन 41 की, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू लेजिस्लेटिव बॉडी, यस बिल्कुल ठीक है ये है क्लॉज सी सेक्शन 41 में, फिर टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल मैटर, ये बिल्कुल ठीक है ये है क्लॉज डी, तो बोथ इसका आंसर हो गया, ए एंड बी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 32, सेक्शन 36 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव रिलीफ, हाउ ग्रांटेड, ए इज द आंसर। डिक्लेरेटरी कितने में, 34 में, ऑलराइट ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 33, अंडर विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मे बी ऑर्डर्ड, अब देखिए मैंने हर बार ये डिस्कस किया है, जहाँ पर भी सेक्शन थे मैंने हर सेक्शन के बारे में इसको बताया भी था, कैंसिलेशन कितने में है, 31 में, ए इज द आंसर। 30 में क्या है, कोर्ट में आ पार्टीज टू डू इक्विटी इन केस ऑफ रिसीशन, ठीक है ना। 29 में क्या, ऑल्टरनेट प्रेयर इन रिसीशन। 28 क्या है, ये भी रिसीशन से ही रिलेटेड है, ठीक है, ए इसमें आंसर है। नेक्स्ट 34, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एडजस्ट और रिफ्यूज्ड, ये है सेक्शन 27, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ये भी हमने किया है छत्तीसगढ़ सीरीज में ही, इन केस ऑफ अनलॉफुल, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है तो ये है क्लोज ए, ये है क्लोज बी, और फिर डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, ये भी क्लोज बी में ही मैंशन किया गया, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट 35, चैप्टर 3 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिलेटेड टू रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने में, चैप्टर 4 में है, ये है 3 में, तो बी इसका आंसर रहेगा। वो सेक्शन कितने से कितने तक है, ये एक्टिफिकेशन 26 ही है, ये 27 से और 30 तक है रिसीशन। नेक्स्ट 36, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, दैट इज 20A, जो कि 2018 के अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया था, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 37, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनी पार्टी देयर टू एंड द रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू रिवर्जन इन पोजेशन, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। ये है सेक्शन 15, ये है क्लोज ए, ये है क्लोज बी, एंड दिस इज क्लोज ई। नेक्स्ट 38, द राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट द पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल आर रिलेटेड टू, दैट इज 13, कितना ईजी क्वेश्चन है। 12 में क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। 14 में क्या है, 14 में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, बचा गया 13, बी इज द आंसर। ये SRA की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट 39, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट ट्राइब्यूनल इन टर्म्स ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉल्ड छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, अभी आगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट से क्वेश्चन, तो ये मेंशन किया गया सेक्शन 6 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में, 2011 का सेक्शन 6 है ये, और वहाँ मेंशन किया गया एज पर आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 323B, ए इज द आंसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 40, रेंट कंट्रोलर शैल बी सबॉर्डिनेट टू रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, बी इज द आंसर, कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 7 ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 41, अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर आर रिलेटेड टू, सेक्शन 9, बी इज द आंसर। सेक्शन 8 में क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 42, अंडर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट एवरी टेनेंट शैल हैव राइट अकॉर्डिंग टू, अब टेनेंट्स के राइट कौन से स्केड्यूल में दिए गए हैं, देखिए मैंने हर बार डिस्कस किया और मैंने वहाँ बताया भी था कि 1 में किसके हैं टेनेंट के, 2 में किसके हैं
लैंडलॉर्ड के, और थ्री में ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड की, और फोर में है टेनेंट की। राइट्स टेनेंट कितने में, शेड्यूल वन में सीज द आंसर लैंडलॉर्ड के हैं, फिर लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन आ गई थ्री में, हर बार डिस्कस किया है। तो देखिए ये एक रिपीट क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे 43 राइट टू सीक फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर इविक्शन ऑफ टेनेंट विल बी ऑन द ग्राउंड व्हेन टेनेंट बिकम्स अ सोशल न्यूसेंस, यस। व्हेन टेनेंट इज अ हैबिचुअल डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ रेंट और अदर ड्यूज, यस, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ये मेंशन किया गया स्केड्यूल टू, जहां पर लैंडलॉर्ड के राइट्स बताए गए हैं वहां पर ये क्लॉज 11 में मेंशन है। ये है क्लॉज ए और ये है डी, तो बोथ हो गया इसमें, सी इज द आंसर। ऐसे 44 स्केड्यूल थ्री, देखिए अभी डिस्कस किया था लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशन, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया, ए इज द आंसर। टेनेंट की ऑब्लिगेशन कहाँ पर है, स्केड्यूल फोर में, राइट भी पूछा ही था, फर्स्ट स्केड्यूल में है ये। 45 अंडर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट टोटल स्केड्यूल्स आर, कितने हैं, चार ही तो हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव, फोर स्केड्यूल्स आर देयर। ऐसे 46 सेक्शन 2B ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट इज रिलेटेड टू, देखिए आई वुड से कि जो है डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन, बिकॉज वहाँ पर 2B थोड़ी है, वहाँ पर तो 1, 2, 3 हैं, और अकोमोडेशन कहाँ पर है, 1 में, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कितने में है, 5 में, और तो आई वुड से कि डिलीट होगा क्वेश्चन 46B। ऐसे 47 अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेजिंग एग्रीमेंट इज, देखिए इवन मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी छत्तीसगढ़ की तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, ये ट्रीटेड एज वॉइड, बी इज द आंसर। क्यों, 24 से और 30 तक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ठीक है। 20 इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, CMTLUW एग्रीमेंट विदाउट कंसल्टेशन 25 है, एस्टेंट ऑफ मैरिज 26 है, एस्टेंट ऑफ ट्रेड 27 है, एस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडियर 28, अनसर्टेन 29, वेजरिंग 30, सेक्शन 30 है ये, है कि नहीं, CMTLUW, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 48 एन एजेंसी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टर्मिनेटेड व्हेन प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, डेथ ऑफ आइदर प्रिंसिपल और एजेंट, यस, प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एन इंसॉल्वेंट, यस, डी, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, ये सेक्शन 201 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 49 ए एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी इन दिस, बी इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ए कैन नाउ रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट गेट कॉम्पनसेशन, रिसिंड गेट कॉम्पनसेशन ओनली, रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट कॉम्पनसेशन, दोनों हो जाएंगे, सी इज द आंसर। फ्रॉड है ना तो उसको अवॉइड करवा सकता है, वो अवॉइडेबल रहेगा फ्रॉड के केस में, तो कॉम्पनसेशन भी मिलेगा ऑब्वियसली, डैमेजेस ले सकता है वो। नेक्स्ट 50 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 2H, डी इज द आंसर। सी में क्या है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की डेफिनेशन है, डी में क्या है, कंसीडरेशन, ई में क्या है, एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज 51 द ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वैलिड एग्रीमेंट, इक्वालिटी इन द बार्गेनिंग पावर, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर द पार्टी एक्सपोज टू, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर, या फिर कॉम्पिटेंस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, डी इसका आंसर है। कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की, ठीक है ना। डोमिनेंस होगा तो क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 53 द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू टेलीफोन इज रिगार्डेड एज कम्प्लीट वेन एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, मतलब जहाँ पर सुनाई दिया गया था वेयर द हर्ड, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट माना जाएगा। भगवान दास वर्सेज गिरधारी लाल केस है ना ये, बी इसका आंसर रहेगा। 54 डी नेचर्ड हैज बिन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए मान लो आपको नहीं पता, तो ए बी सी डी ये तो सीक्वेंस रहेगा डेफिनेशंस का, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला होगा इसमें वही आंसर होना चाहिए, 25 ए इज द आंसर, बिकॉज डेफिनेशंस हमेशा अल्फाबेटिकली चलती हैं। नेक्स्ट 55 पासिस फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट मे बी ग्रांटेड बाय,
कलेक्टर सीज द आंसर कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 11 में, रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 56, प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस इज कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 24 सीज द आंसर। नेक्स्ट 57, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर परमिटिंग एस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउसेज कौन है, एक्साइज कमिश्नर सीज द आंसर। सेक्शन कौन सा ये है, 14 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आबकारी अधिनियम। नेक्स्ट 58, हुज प्रायर परमिशन इज एसेंशियल फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू सेल लीकर इन कंटोनमेंट एरिया, किसकी परमिशन चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर की, डी इज द आंसर। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। सेक्शन कौन सा है, 20 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। नेक्स्ट 59, प्रोविजन रिलेटिंग टू फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस इज 28 ए इज द आंसर। नेक्स्ट 60, एनी होल्डर ऑफ ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट मे सरेंडर हिज लाइसेंस टू द कलेक्टर, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, 33 सरेंडर ऑफ लाइसेंसेज। नेक्स्ट 61, इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, रजिस्ट्रेशन एक्ट के क्वेश्चन आ गए, दैट इज इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 बी इज द आंसर। 25 में क्या है, एंडोर्समेंट। 210 में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। 29 में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 62, सेक्शन 16 ए और रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज एडेड इन कौन से ईयर में ऐड किया गया था, इन ईयर 2001 ए इज द आंसर। ये क्वेश्चन तो ये देखे सरप्राइज क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट 63, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर इज मेंशन इन सेक्शन 34 सी इज द आंसर। नेक्स्ट 64, व्हेन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज टेम्पररीली वेकेंट हु हैज पावर टू अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज रजिस्ट्रार टिल द वैकेंसी इज फिल्ड। देखिए यहाँ पूछा हुआ है, हु हैज पावर टू अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज रजिस्ट्रार, तो किसके पास होती है, आईजी ऑफ रजिस्ट्रेशन सी इसका आंसर है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है ये 10 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट 65, विच वन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मे बी प्रेजेंटेड एंड डिपॉजिटेड एट एनी टाइम, दैट इज विल सी इज द आंसर। कोई टाइम पीरियड नहीं होता, विल का कभी भी कर सकते हैं उसको। सेक्शन 27, विल मे बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। नेक्स्ट 66, प्रोविजन रिलेटिंग टू एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट्स एंड विटनेसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन कौन से पार्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए जो पार्ट 5 है, दैट इज प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। पार्ट 6 क्या कहता है, प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर है पार्ट 7, एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड विटनेसेस, तो 20 का आंसर हो गया। सी में क्या है, पार्ट 8, दैट इज फॉर विल एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, विल और अडॉप्शन के लिए है ये। नेक्स्ट 67, कंडोनेशन ऑफ डिले इन नॉट मेकिंग कंप्लेंट विद इन द टाइम पीरियड इज प्रोवाइडेड इन, देखिए मैं कहूँगा ये यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जो है डाउटफुल हो जाएगा, एंड हो सकता है कि अगर आप हाई कोर्ट जाए डिलीट भी हो जाए। अब ये किसका पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये पूछ तो रही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, हम तो समझ गए, बट इस क्वेश्चन को जो है चैलेंज किया जा सकता है, एक्ट का नाम क्यों नहीं मेंशन कर सकते ये। और जी कंडोनेशन ऑफ डिले इन नॉट मेकिंग कंप्लेंट है ये, सेक्शन तो 147 में तो है नहीं, बिकॉज 147 में क्या है, कंपाउंडेबल कौन से ऑफेंसेस, वो है ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल वो मेंशन किया गया। 142 में क्या है, कॉग्निजेंस। 141 में क्या है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। एंड 140 में क्या है, डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। एंड सेक्शन 142 में सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के प्रोवाइजो में मेंशन किया गया है कि सफिशिएंट कॉज पे कंडोनेशन हो सकती है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी। नेक्स्ट 68, अंडर सेक्शन 31 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई शैल बी टुवर्ड्स ड्रॉवर, ऑब्वियसली ए इज द आंसर। नेक्स्ट 69, प्रोविजन रिलेटिंग टू एंडोर्समेंट फॉर द पार्ट ऑफ सम ड्यू इज 56 डी इज द आंसर। नेक्स्ट 70, ए प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल बाय ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय
देखिए एंडोर्समेंट भी करनी पड़ेगी, डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, सी इसका आंसर है, दोनों होने चाहिए ना, तभी तो होगा। नेक्स्ट 71 है, होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल इज प्रोवाइडेड इन, कौन सेक्शन में है ये, 45A, D इज द आंसर। नेक्स्ट 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजम्पशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंसीडरेशन की भी है, एज टू डेट भी है, एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस भी है, ऑल ऑफ द अबाउट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 73, द फी पेबल अंडर कोर्ट फी एक्ट शैल बी कंप्यूटेड, तो इसके लिए देखिए आप सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट, वहां लिखा हुआ है फॉर मनी कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू अमाउंट क्लेम, यस, ऑन द फुल वैल्यू ऑफ प्लेंटिफ शेयर इन प्रॉपर्टी इन सूट ऑफ पार्टीशन, फिर है ऑन द हाफ वैल्यू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन मेंटेनेंस सूट्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर क्या रहेगा इसमें, ए। नेक्स्ट 74, इन सूट फॉर इंटरिम प्रॉफिट और फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर इंटरिम प्रॉफिट ऑन अकाउंट प्रॉफिट और अमाउंट डिक्रीड एक्सीड द प्रॉफिट क्लेम्ड और द अमाउंट ऑन विच प्लेंटिफ हैज एसेस्ड द रिलीफ सॉट देन, तो क्या अगर डिक्री विल बी एग्जीक्यूटेड या फिर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर टू एक्सिक्यूट और नॉट, या फिर देन एग्जीक्यूशन कोर्ट कैन नॉट एग्जामिन द वैल्यूएशन, तो इसका रहना चाहिए आंसर नन ऑफ द अबव, क्यों, बिकॉज देखिए सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है कि भाई अगर एक्सीड कर जाएगा तो डिक्री शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द डिफरेंस ऑफ द फी एक्चुअली पेड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस आया है, आपने प्रॉफिट मान लो 100 के थे, आपने 110 का लिया, तो 110 जो 10 रुपये बच गया उस पर भी आपको कोर्ट फी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही डिक्री जो है एग्जीक्यूट हो पाएगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट 75, वेयर द अमाउंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट इज लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री देयर इफ द प्रॉफिट सो असर्टेन एक्सीड द क्लेम्ड प्रॉफिट, देखिए सेम क्वेश्चन ही हो गया, ये भी काफी लंबा क्वेश्चन है, एक पेज का क्वेश्चन बना दिया, देखिए तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी स्टॉप्ड, यस ये हो सकता है, बिकॉज जब तक वो डिफरेंस पे नहीं करेगा तब तक जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। ये भी सेक्शन है 11, वो था पार्ट 1 और ये है पार्ट 2, शैल बी स्टॉप्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, वहाँ लिखा हुआ है शैल बी स्टेड, स्टे हो जाएगा एग्जीक्यूशन पर, देखिए शैल बी एग्जीक्यूटेड नहीं, वो नहीं होगी। फिर द एडिशनल फी इज नॉट पेड विद इन सच टाइम द कोर्ट फी द कोर्ट द सूट शैल बी डिसमिस्ड, ये बिल्कुल ठीक है, वहीं लिखा हुआ है, तो 1 और 3 इसका आंसर रहेगा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 76 बताना है, ट्रू द नेट प्रॉफिट और द मार्केट वैल्यू हैज बीन एस्टिमेटेड द कोर्ट शैल रिक्वायर द अमाउंट टू बी पेड एज इनसफिशिएंट इफ इट इज नॉट पेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम डिसमिस द सूट, ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 10 में ऑफ कोर्ट फीस एक्ट। फिर बी द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन ऑन प्लेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ अपील इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट वेदर सूट इज पेंडिंग एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 12 में। फिर इसी द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज अपील इज फाइल्ड एंड द असेसमेंट मेड, द रेफरेंस शैल रिक्वायर द कोर्ट ऑफ अपील और रिविजन टू पे एडिशनल फी इफ इट इज नॉट पेबल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इट विल बी डिसमिस्ड, यस बिल्कुल ठीक है, डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट 77, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ट्रू स्टेटमेंट इज, बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये क्वेश्चन है कोर्ट फीस एक्ट से, ठीक है, स्टेटमेंट ए है, इफ द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज पार्टली और होली ड्यू टू न्यू एविडेंस बीइंग मॉडिफाइड और रिवर्स द कोर्ट शैल ऑथराइज द एप्लीकेशन टू रिकवर द फीस पेड, ये मेंशन किया गया सेक्शन 14 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट में, तो ये हो गया रॉन्ग। देखिए ये रहा सेक्शन 14 और देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, बट नथिंग इन दिस फॉर्मर पार्ट इन दिस सेक्शन शैल एंटाइटल द एप्लीकेंट टू सच सर्टिफिकेट वेद रिवर्सल ऑफ मॉडिफिकेशन इज ड्यू होली और इन पार्ट टू फ्रेश एविडेंस विच माइट हैव बीन प्रोड्यूस एट द ओरिजिनल हियरिंग। फिर वेयर द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू रिवर्सिज इट्स एब्सोल्यूट डिसीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ लैप्स ऑफ लॉ और फैक्ट शैल ऑथराइज द रिफंड ऑफ द सच फी बाय द अमाउंट एक्सीडिंग द अमाउंट व्हेन द अदर एप्लीकेशन हैज बीन मेड, दिस इज करेक्ट।
तो अब दोनों में से एक ही ठीक होगा, बी इज दी आंसर। नेक्स्ट 78, विच प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट स्पेसिफाई दैट वेयर द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेट ऑफ क्रेडिटर हैज बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर द कंटिन्यूएंस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सूट टू रिकवर सच डेट शैल बी सस्पेंडेड। ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 9 में, उसका है प्रोवाइजो में मेंशन किया गया है, ये बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 79, देखिए ये कोर्ट फीस एक्ट का एक क्वेश्चन और आ गया, कॉलम ए मैच करने हैं स्केड्यूल्स। स्केड्यूल 1 में क्या है, एड वॉल्यूम फीस है, स्केड्यूल 2 में फिक्स फीस है, तो एबीसी में बताना है अब हमें ठीक कौन सा है, ये क्या कन्फ्यूजन किया हुआ है, या तो इसमें ये पूछते हुए कौन सा करेक्ट है। अब मैचिंग करना है अगर, तो फिर ये क्या मैच कर दिया फिर यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ देखिए बोलो बाय मैचिंग द फॉलोइंग, तो फॉर्मेट ऑफ वैल्यूएशन तो स्केड्यूल 3 में है, 1 में क्या है एड वॉल्यूम फीस, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए ये वाला भी, बिकॉज देखिए ना यहाँ पर मैचिंग दी फॉलोइंग पूछ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फिर ये पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन ये गलत लग रहा है मुझे तो ये। नेक्स्ट 80, वेयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर प्रोबेट ऑफ बिल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ प्रोबेट ऑफ अ विल आना चाहिए, विल की प्रोबेट होती है ना। Any person has transmitted the property of the deceased to be overvalued and has paid a very high fee, the probate before the chief controlling revenue authority within the determination of the true value of the property or presents a letter of administration 6 months, 2 months, 7 months। देखिए क्वेश्चन 80 में क्या कहना चाह रहा है ये, where at a time of making an application any person has transmitted the property of the deceased to be overvalued, then the same has afterward proved to be has constantly paid too high fee thereon। सोच रहे थे हम थोड़ी सी शानपत कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। देखिए पूछ रहे हैं सेक्शन 19A से, बट यहाँ पर ये इसको अच्छे से पूछ नहीं पाए। 6 months इसमें आंसर है, ए इज़ दी आंसर। बहुत गड़बड़ है इस पेपर में, लैंग्वेज क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। ऐसे 81, वंस द कैलकुलेशन ऑफ द लिमिट इज स्टार्टेड इट विल कंटिन्यू टू रन अगेन अगेन एंड अगेन। तो सेक्शन 9 प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, एक बार स्टार्ट हो गया तो वो किसी भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी से जो है रुकेगा नहीं, बट उसकी एक्सेप्शन दी गई हैं। तो टाइम टेकन टू रिसीव कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर अपील और रिव्यू, तो ये क्या है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है ये नॉर्मल रूल के, तो वहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड हो जाता है, तो ये करेक्ट है। फिर डेटर्स लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सेक्शन 9 में ही मेंशन किया गया है। फिर टाइम इन द केस ऑफ अकिंचन, अकिंचन का मतलब क्या होता है, वेरी पुअर, मतलब एक बात कर रहे हैं इंडिजेंट पर्सन की, तो उसके लिए भी एक्सेप्शन में है ये, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड हो जाता है सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। फिर इफ इन अ गुड फेथ एनी अदर सिविल प्रोसीडिंग इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन, इसे सेक्शन 14। फिर एन इंजंक्शन हैज बीन ऑब्टेंड टू प्रिवेंट फाइलिंग ऑफ अ सूट, यहाँ भी हो जाएगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। तो सब में ये हो गया, ए इसका आंसर रहेगा, ए इज द आंसर ऑल 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे 82, द इम्पोर्टेंट केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अंतनावासी काटी जी रिलेटेड टू सेक्शन 5B इज द आंसर। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लिमिटेशन में। फिर 83, द इम्पोर्टेंट केस ऑफ एन बालाकृष्णन वर्सेज एम कृष्णमूर्ति, किस पर है ये, लेंथ ऑफ डिले इज नो मैटर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले इज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, यस बिल्कुल ठीक है, बट इन द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों इसमें ठीक हो गए, ऑल ऑफ द वो इसका आंसर रहेगा। ऐसे 84, इन अ केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन लिमिटेशन एक्ट इज द ओनली जनरल लॉ फॉर द होल कंट्री, ऑल अदर लॉ डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आर आइदर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, इफ दे फिक्स द टाइम पीरियड फॉर स्पेसिफिक केसेस दे विल बी कॉल्ड स्पेशल लॉज। कौन सा केस था ये, देखिए इसमें जो केस है जस्टिनियानो वर्सेस एंटोनियो, इसका आंसर ये भी होना चाहिए। सिंडिकेट बैंक में जो है इसका ही रेफरेंस दिया गया था, इस केस का ही था, 1979 में केस आया था और सिंडिकेट बैंक वाला आया था 2001 में। आई वुड से कि इसका आंसर बी रहना चाहिए। नेक्स्ट 85, इन ऑर्डर टू अक्वायर द राइट टू ईजमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू इट इज प्रिस्क्राइब्ड अ पीरियड ऑफ 30 years, ए इज द आंसर। प्राइवेट केस में कितना है, 20 years।
फिर 86 एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट शुड बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर. तो किस केस में है ये? तो आर्टिकल 124 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड करता है फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर? इन दी हाई कोर्ट. बी इज दी आंसर. नेक्स्ट 87 ए ओज विद 1 lakh टू बी. बी इज एंटाइटल टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम ए. दिस इज कॉल्ड एज राइट इन पर्सोनम. इसका प्राइवेट राइट है ना, ये पब्लिक राइट नहीं है. राइट इन का मतलब क्या होता है? पब्लिक राइट. पर्सोनम प्राइवेट राइट. तो ए इसका आंसर रहेगा. फिर 88 ए बॉट अ हाउस फॉर ₹50,000. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ए आफ्टर द परचेज? इज राइट अगेंस्ट द सेलर टू हैव अ क्वाइट पोजेशन? यस. इज राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड टू हैव अ क्वाइट पोजेशन? यस. फिर ही इज मॉरल राइट ओवर द हाउस. ये मॉरल राइट क्या होता है भाई? फिर राइट टू लिव इन द हाउस बट कैन नॉट सेल. ये गलत है. तो देखिए, अगेंस्ट द सेलर तो है ही है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड भी है. तो बी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो बी इसका आंसर होना चाहिए. तो 88 का आंसर रहेगा बी. नेक्स्ट 89 ए एंड बी एंटर्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी इच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज. ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. ए इज द आंसर. वो कॉन्ट्रैक्ट जो था फ्रस्ट्रेट हो गया ना. सेक्शन 56 प्रोवाइड करता है ये. और यह है इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 56. नेक्स्ट 90 वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज टू राइटिंग रजिस्ट्रेशन एंड अटेस्टेशन अदरवाइज सच कॉन्ट्रैक्ट इज. अब देखिए, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अब इसमें से डिफरेंस क्या है? देखिए, एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट इज परफेक्ट, मतलब एग्रीमेंट तो ओके है बट एनफोर्सेबल नहीं होगा लॉ से. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज़ को एनफोर्स नहीं करवा सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली. अगर मान लो कि राइटिंग में करना है पर आपने राइटिंग में नहीं किया, एग्रीमेंट तो वो ओके है बट इट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल. वो कोर्ट में एज एविडेंस नहीं माना जाएगा. तो जो अकॉर्डिंगली जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो अनएनफोर्सेबल होना चाहिए. बट अगेन, जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मतलब क्या हुआ? जब उसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते तो वो फिर वॉइड ही हो गया एक तरीके से. आंसर वाज गिवन डी, बट आई वुड से दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर. नेक्स्ट 91 ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच अंडर द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वन और बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. बी इज द आंसर. ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ये शायद DGS में मैंने कहीं देखा है ऐसा क्वेश्चन. नेक्स्ट 92 ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर. देखिए 282 क्या है? देयर इज फाइनेंस कमीशन. 27 क्या है? थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन टाइटल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो बचा क्या? 299 फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी. नेक्स्ट 93 इफ द एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ लीगल एंड इलीगल पार्ट द लीगल पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम इलीगल पार्ट देन लीगल पार्ट इज वैलिड. ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन है ये 58 अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच इलीगल. तो लीगल वाला जो है वो वैलिड रहेगा. नेक्स्ट 94 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जस्टिस केकेविच ऑब्जर्व दैट यू कैन नॉट लिमिट एन एस्टेट टू अ मैन आयर्स अंटिल ही शैल कन्वे द लैंड टू अ स्ट्रेंजर बिकॉज इट इज ऑफ द एसेंस ऑफ एन एस्टेट इन फी दैट इट कन्फर्स फ्री पावर ऑफ एलिनेशन एंड इट हैज लॉन्ग बीन सेटल्ड दैट द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गिफ्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी. यानी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे ढूंढ ढूंढ के ऐसे ऐसे ये. तो इसका आंसर रहेगा ए, मेटकाफ वर्सेज मेटकाफ. नेक्स्ट 95 द प्रीवी काउंसिल इन मोहम्मद शेर खान वर्सेज सेठ स्वामी दयाल हैज सेटल्ड दैट. सेक्शन 98 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 60 या फिर सेक्शन 60 सब्जेक्ट टू 98. अब देखिए, इसमें से दोनों में से एक ही ऑप्शन ठीक हो पाएगा, आइदर और ए और बी नहीं होगा. तो वो है सेक्शन 98 क्या है? राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज इन एनोमलस मॉर्टगेज. अब देखिए, जो राइट टू रिडीम है वो कौन कर सकता है राइट टू रिडीम? क्योंकि मैंशन किया गया सेक्शन 60 में. तो वो जो राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनिमल्स मॉर्टगेज है वो सब्जेक्ट टू रहेंगे राइट टू रिडीम सेक्शन 60 के. तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 96 सेक्शन 37 ऑफ TPA रेफर्स टू अपोर्शनमेंट बाय एस्टेट इन दिस लाइट बिफोर TPA व्हेन ट्रांसफर वाज स्वेड बाय सेल ऑफ शेयर इन द वर्जन ऑफ टेनेंट वाज स्टिल ओब्लाइज टू पे द रेंट टू
ऑल शेयर ज्वाइंटली। तो ऑब्वियसली जब तक कि आपका अपॉर्शनमेंट ना किया जाए, अनलेस एन अपॉर्शनमेंट हैड बीन अग्रीड टू बाय ऑल दी पार्टीज, तब तक वो ज्वाइंटली देता रहेगा उनको। जब अपॉर्शनमेंट हो जाएगा तब अलग अलग दे देगा। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 97 एक्शन 5 ऑफ टीपी अप्लाइज टू प्रॉपर्टी सोल्ड इन ऑक्शन सेल। यस होता है। डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर्टी सोल्ड इन ऑक्शन सेल, या ये रॉन्ग है। फिर अप्लाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट, ये नहीं हो सकता। डज नॉट अप्लाई टू कॉम्प्रोमाइज, ये दो स्टेटमेंट और ये दो स्टेटमेंट जो है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो इसका मतलब दोनों में से एक ही ठीक होगा। अब मैं फिर से ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं है। कैसे? अब इसका आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, डज नॉट अप्लाई इन प्रॉपर्टी सोल्ड इन ऑक्शन सेल, ऐसा नहीं है। अब नाउ सपोज यू आर लिविंग इन दिल्ली, तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यू आर लिविंग इन मेरठ, तो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इन एनी सिटी जैसे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जैसे हरियाणा में जैसे HSVP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो ये जो प्लॉट सेल करते हैं या जो प्रॉपर्टी जो बना के देते हैं, तो क्या होता है, दैट इज़ एन ऑक्शन। वो ऑक्शन में तो सेल करते हैं उनको, तो क्या उन पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी का अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो आई वुड से ए वुड बी द आंसर, बट अगेन अब इन दोनों में से भी एक ठीक होगा। सो आई वुड अगेन से दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन, ए कुड बी द आंसर। नेक्स्ट 98, इन विच द फॉलोइंग केसेस रूल अगेंस्ट परपेचुटी नॉट एप्लीकेबल। तो इन केस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ लीनियंट डिसेंडेंट, ये तो हो जाएगा। फिर केस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइनरी, तब भी हो जाएगा। फिर है इन केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग टेम्पल प्रमोटिंग सती। पर्पस क्या, क्रिएटिंग एंड टेम्पल, प्रमोशन क्या कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। टेम्पल के लिए जो परपेचुटी वो जो है रूल अगेंस्ट परपेचुटी एप्लीकेबल हो जाता है। फिर इन केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर बिल्डिंग लाइब्रेरी फॉर कॉमिक बुक्स, यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 99, बी ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी टू सी विद द कंडीशन दैट इन केस ए मैरिज ड्यूरिंग बीज लाइफ टाइम द प्रॉपर्टी विल गो टू ए, ए मैरिज ड्यूरिंग बीज लाइफ टाइम। तो अब क्या होगा, ट्रांसफर टू सी इज वॉइड एंड प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू ए, प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू ए। बी इसका आंसर रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगी ए को। नेक्स्ट 100, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ TPA द इजमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड या फिर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सेक्शन 6 ऑफ TPA प्रोवाइड करता है इजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। तो आंसर क्या रहेगा, सी इज द आंसर। सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है, ये है क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 6। सो फ्रेंड्स, हियर वी डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज 2022 विच वॉज हेल्ड इन फरवरी 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।